हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि यूपीएससी, पीएससी और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसमें इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फंक्शंस एंड अचीवमेंट्स होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करें। इंट्रोडक्शन। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज इंडिया प्राइमरली न्यूक्लियर रिएक्टर फैकल्टी हेड क्वार्टर्स इन टॉवर बॉम्बे, मुंबई इन महाराष्ट्र। यानी कि कह सकते हैं हम भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारत के प्राइमरी अनुसंधान के का मुख्यालय टॉवर बॉम्बे मुंबई में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर एंड एग्जीक्यूटिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कवरिंग द इंटर स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड एरियाज। यानी कि यह न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग उससे संबंधित कई कवरिंग स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूक्लियर साइंस के क्षेत्र को कवर करते हैं। उन्नत अनुसंधान विकास के लिए कार्यकारी बुनियादी ढांचा के साथ साथ बहुविषयक अनुसंधान केंद्र भी है। हमारा अगला पॉइंट है मोटो, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। एटम सर्विस इन द नेशन, यानी कि राष्ट्र की सेवा में परमाणु। इसका फॉर्मेशन यानी 3 जनवरी 1954 को हुआ था। फाउंडर ह्यूमो बाबा जहांगीर थे। पर्पस न्यूक्लियर रिसर्च था। हेडक्वार्टर्स ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है, आज भी है। जो कि डायरेक्टर है इसके अजीत कुमार मोहंती, और पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। चलिए दोस्त हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम जरा नजर डाल लेते हैं। डॉक्टर ह्यूमो बाबा जहांगीर कंकेव्ड द न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। ह्यूमो बाबा जहांगीर ने भारत में परमाणु कार्यक्रम की कल्पना की। डॉक्टर बाबा एस्टेब्लिश द टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR फॉर केयरिंग आउट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड रिसर्च इन 1954। ह्यूमो बाबा ने 1945 में विज्ञान अनुसंधान को और ऊंचा और बढ़ाने के लिए टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। नेक्स्ट, टू इंटेंसिफाई द एफर्ट टू एक्सप्लोइट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र के लाभ के लिए परमाणु ऊर्जा का दोहन के प्रयासों में तेजी करना था। डॉक्टर बाबा एस्टेब्लिश द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट टॉवर बॉम्बे AET इन जनवरी 1954 फॉर द मल्टीपल डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम इनिशियल फॉर द एम्बिशियस न्यूक्लियर पावर ऑफ इंडिया। यानी कि जनवरी 1954 में बहुविषयक अनुसंधान के परमाणु ऊर्जा का प्रस्थान ट्रॉम्बे में स्थापित किया था। आफ्टर ह्यूमो बाबा जहांगीर डेथ इन 1996 द सेंटर वाज रीनेम्ड द एटॉमिक सेंटर वाज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऑन 22 जनवरी 1967। यानी ह्यूमो बाबा जहांगीर की मृत्यु के बाद 22 जनवरी 1967 को केंद्र का नाम बदलकर बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। हमारा अगला पॉइंट है बर्क, यानी कि बर्क मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बर्क कोर प्राइमरली टू सस्टेन पीसफुल एप्लीकेशन, यानी कि बर्क का मुख्य अधिकार मुख्य रूप से बिजली को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए किया गया है। प्राइमरली फॉर पावर जनरेशन, यानी कि बिजली के उत्पादन के साथ ही। इट मैनेज ऑल द फैक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर जनरेशन फॉर द थ्योरेटिकल डिजाइन रिएक्टर्स, कंप्यूटराइज मॉडलिंग, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट्स एंड टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर फूल। यानी कि यह परमाणु ऊर्जा उत्पाद के सभी तथ्यों को रिएक्टरों के सैद्धांतिक डिजाइन से कंप्यूटराइज मॉडलिंग, सिमुलेशन, जोखिम भरे विश्लेषण विकास तथा रिएक्टर के नए ईंधन सामग्री इत्यादि का प्रबंध और देखभाल करना भी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का कार्य है। इट इज ऑल्सो कंडक्ट्स रिसर्च इन स्पेंट फ्यूल प्रोसेसिंग एंड सेफ डिस्पोजलिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्टेज। यानी कि यह खर्च किए गए ईंधन का प्रसरण और उसका कचरा सुरक्षित तरीके से निपटाने का कार्य भी अनुसंधान केंद्र का है, यानी कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का है। इट्स अदर रिसर्च फोकस आर एप्लीकेशन फॉर आइसोटोप्स, इंडस्ट्रीज, मेडिकल, एग्रीकल्चर। यानी कि यह अनुसंधान मुख्यतः क्षेत्र चिकित्सा, कृषि इत्यादि आइसोटॉप में अनुप्रयोग किया जाता है। बर्क ऑपरेट्स अ नंबर रिसर्च ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि देश भर में कई ऐसे कार्य शोधनीय वाले किए हैं। यानी कि हमारा अगला पॉइंट है सिविलियन रिसर्च। द बर्क ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी एट द गामा जनरेट्स एंड हैज द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस डिजीजेस रेजिस्टेंट एंड हाईली यील्डिंग क्रॉप्स वेराइटीज पर्टिकुलर ग्राउंडनट्स। इट्स ऑल्सो कंडक्ट्स रिसर्च इन लिक्विड मेटल और पावर जनरेशन। यानी नगर अनुसंधान बर्क गामा उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी
अनुसंधान भी करते हैं, कई प्रतिरोधक उच्चावच वाली फसलों को भी करते हैं, विशेषकर से मूंगफली, और बिजली का उत्पादन तरल धातु के अनुसंधान में भी पावर एटॉमिक रिसर्च सेंटर कार्य करता है। अचीवमेंट्स यानी कि हमने क्या क्या प्राप्त किया है। द प्राइमरली इंपोर्टेंस ऑफ वर्क इज अ रिसर्च सेंटर, द वर्क इंडियन गवर्नमेंट हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड दैट रिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ओनली, यानी कि वर्क का प्राथमिक महत्व तो एक अनुसंधान केंद्र है वर्क, और भारत सरकार लगातार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक रिएक्टर का उपयोग केवल उसके उद्देश्य के लिए किया जाए। जैसे कि अप्सरा 1956 में, अप्सरा 1956 नेम्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू व्हेन ही लाइक द ब्लू ऑफ सैरक ऑफ रेडिएशन टू द ब्यूटी ऑफ अप्सरा। यानी कि अप्सरा 1956 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा, जब उन्होंने अप्सरा की सुंदरता के लिए उन्हें नीला सैरनों को विकिरण कहा। कैसेरस 1960 द कैनेडा इंडियन रिएक्टर विद असिस्टेंस फ्रॉम द, यानी कि सैरस जो रिएक्टर है वो यूएसए की सहायता से कैनेडा और भारतीय रिएक्टर बनाया गया है। पूर्णिमा 1972 में ये रिएक्टर बनाया गया, पूर्णिमा 2 हमारा 1984 में बनाया गया, और ध्रुव 1985 में बनाया गया, पूर्णिमा 3 1990 में बनाया, एंड कामिनी जो कि समय समय पर बनाते रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है, वर्क ऑल्सो डिजाइन बिल्ड इंडियन फर्स्ट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर एट कल्पकम लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर यूनिट एज वेल एज द अरिहंत अरिहंत प्रोपल्सन रिएक्टर। यानी कि बर्क बर्क ने कल्प संकटक भारत का पहला वाटर रिएक्टर बनाया गया है जो कि INS यानी कि इंडियन नेवल सर्विस अरिहंत के परमाणु ऊर्जा के साथ ही साथ अरिहंत के परमाणु रिएक्टर का एक प्रमुख प्रोटोटाइप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस टॉपिक की PDF पाने के लिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।